नाहूम पहला बाब नैनवा की बाबत बारे नबूवत अलकुशी नाहूम की रोया की किताब। खुदावंद गयूर और इंतकाम लेने वाला खुदा है, हां खुदावंद इंतकाम लेने वाला और कुहार है। खुदावंद अपने मुखालिफों से इंतकाम लेता है और अपने दुश्मनों के लिए कहर को कायम रखता है। खुदावंद कहर में धीमा और कुदरत में भड़कर है। वो मुजरिम को हरगिज बरी ना करेगा। खुदावंद की राह गिर्दबाद और आंधी में है और बादल उसके पांव की गर्द हैं। वो ही समुन्दर को डांटता और सुखा देता है और सब नदियों को खुश्क कर डालता है। बसन और किरमल कुमला जाते हैं और लुबनान की कौंपलें मुरझा जाती हैं। उसके खौफ से पहाड़ कांपते और टीले पिघल जाते हैं। उसके हजूर जमीन हां दुनिया और उसकी सब मामूरी थरथराती है। किसको उसके कहर की ताब है? उसके कहरे शदीद को कौन बर्दाश्त कर सकता है? उसका कहर आग की मानिंद नाजिल होता है। वो चट्टानों को तोड़ डालता है। खुदावंद भला है और मुसीबत के दिन पनागाह है। वो अपने तवक्कुल करने वालों को जानता है, लेकिन वो उसके मकान को बड़े सैलाब से नेस्तो नाबूद करेगा और तारीकी उसके दुश्मनों को रेख देगी। तुम खुदावंद के खिलाफ क्या मंसूबा बांधते हो? वो बिल्कुल नाबूद कर डालेगा, अजाब दोबारा ना आएगा। अगरचे वो उलझे हुए कांटों की मानिंद पैचीदा और अपनी मै से तर हूं, तो भी वो सूखे भूसे की मानिंद बिल्कुल जला दिए जाएंगे। तुझसे एक ऐसा शख्स निकला है जो खुदावंद के खिलाफ बुरे मंसूबे बांधता और शरारत की सलाह देता है। खुदावंद यूं फरमाता है कि अगरचे वो जबरदस्त और बहुत से हों, तो भी वो काटे जाएंगे और वो बर्बाद हो जाएगा। अगरचे मैंने तुझे दुख दिया, तो भी फिर कभी तुझे दुख ना दूंगा, और अब मैं उसका जुआ तुझ पर से तोड़ डालूंगा और तेरे बंधनों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। लेकिन खुदावन ने तेरी बाबत ये हुक्म सादर फरमाया है कि तेरी नस्ल बाकी ना रहे। मैं तेरे बुतखाना से खोदी हुई और ढाली हुई मूर्तों को नेस्त करूंगा। मैं तेरे लिए कब्र तैयार करूंगा, क्योंकि तू निकम्मा है। देख, जो खुशखबरी लाता और सलामती की मुनादी करता है, उसके पांव पहाड़ों पर हैं। ऐ यहूदा, अपनी ईदें मना और अपनी नजरें अदा कर, क्योंकि फिर खबीस तेरे दरमियान नहीं गुजरेगा, वो साफ काट डाला जाएगा।